एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से आप सबके साथ हम वापस हैं। हुरैन भी देख रही है। हुरैन हेलो करो, हाय करो, हाय करो हुरैन, हाय करो, हाय। तो आज हम लोग जा रहे हैं किसी जगह पर ग्रूमिंग के लिए। एक न्यू सेटअप है, न्यू सैलून है, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। कुछ करवाना है वो आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, साथ रहिएगा। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, बस अब रास्ते में हैं। तो मिकी से भी मिल लें काफ़ी दिन बाद। और ये मुस्कान है, मुस्कान हाय करो। और चीरी हुरैन, हुरैन गुस्से में ही रहती है। हुरैन हाय करो, हाय करो। ये कैसा हाय है? अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब चौरंगी पे जो के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है वहाँ से अंदर आके UBL बैंक है, उसके बिल्कुल बराबर में। मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो UBL बैंक है उसके बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग है। ठीक है, इसके बराबर में कोई बिल्डिंग है वहाँ पर, बैंक के बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग है। सबा नूर सैलून नाम से है पार्लर। तो अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको विजिट करवाती हूँ। ये मेरी बहुत ही स्वीट सी सबा आपी है, इनका सैलून है। ये सबा नूर के नाम से सैलून है। और किस लोकेशन पे है ये? है डिफेंस फेज 4 में, DHA में। बहुत बहुत मेन पे है, इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के सामने जो रोड है, बिल्कुल मैं भी इजीली पहुंच गई। ओपन बहुत अच्छा सैलून है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये है मैनी पैडी का। सारा इनका बहुत अच्छा सेटअप है, नीट एंड क्लीन। यहाँ पर बहुत अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट है। तो इसके पास ऊपर मैनी पैडी है ना, बाकी ये फेशियल के रूम्स हैं, साफ सुथरे बिल्कुल। ये दो तीन रूम्स हैं, बहुत अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, नीट एंड क्लीन। ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पर। चार्जेस भी इनके बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत अच्छे हैं। ये वॉशिंग एरिया है, ये सारा। ये कटिंग एरिया है, कटिंग एरिया। ये सारा नीचे का है। बाकी आपके चार्जेस क्या है सबा? डिस्काउंट मिलेगा ना? डील्स बहुत अच्छी हैं हमारे पेज। हाँ, काफ़ी सारी डील्स हैं। इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, किस नाम से बता दो? सबा नूर सैलून एंड स्पा। हमारा वॉश स्टार्ट हो गया है, होने लगा है अभी। वॉश स्टार्ट हो रहा है और हुरैन मेरे पीछे पीछे, हुरैन मुझे काम करने नहीं दे रही। तो ये इनका वॉशिंग एरिया है पूरा, सारा कम्फर्टेबल सा बिल्कुल। वॉश स्टार्ट हो गया, कितना टाइम लगता है एक्सटेंसो में? तकरीबन 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे लगते हैं, मतलब अभी 2 बज रहे हैं तो 5 बजेंगे कम से कम। तो ये सैलून का नाम है सबा नूर स्पा एंड सैलून। बहुत इजी लोकेशन है, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा सब। बाकी जब आप काम देखेंगे तो आपको खुद रिजल्ट का अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप मजबूर हो जाएंगे आने पर सब। क्यों, आपका नाम क्या है? मोना। आप क्या है यहाँ पर, मतलब आप क्या? मैं हेयर ड्रेसर हूँ यहाँ की। ये वाला वॉश हमारा हो गया, अब ब्लो ड्राई होगा, इसके बाद जो है केमिकल अप्लाई होगा। और हुरैन बहुत मज़ा कर रही है भाई, हुरैन यहाँ चढ़ के बैठी हुई है, हुरैन को बहुत मज़ा आ रहा है। हुरैन आपको भी कटिंग करवा दें। हमारा स्टार्ट हो गया है ब्लो ड्राई करके, इसके बाद केमिकल अप्लाई होगा। ये चार्जेस वगैरह आप ही तो रीज़नेबल ही रखे हुए हैं ना, सब क्लाइंट्स वगैरह जो विजिट करेंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा भाई, देख लें मज़ीद और डिस्काउंट मिलेगा। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई होगा, फिर वो कितने देर के लिए छोड़ेंगे? तकरीबन 35 मिनट्स। अच्छा, फिर उसके बाद वो स्ट्रेटनिंग होती है वॉश के बाद। वॉश करवाएंगे, वॉश के बाद जो है हमारा वापस ब्लो ड्राई होगा, फिर आयरन होगा, आयरन के बाद हम फिक्सर लगाएंगे। लास्ट जो स्टेप होता है वो फिक्सर लास्ट होता है। तो ये अभी हमारा केमिकल लगना स्टार्ट हो गया है। अभी ये सबा जो है ना, ये ऑनर है यहाँ की, सबा केमिकल लगा रही है। और ये आ गई है सदफ, ये हमारी छोटी बहन है सदफ, ये आ गई है। Hello. ये भी यहाँ पर वो, आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं सबा? सदफ मेकअप एंड हेयर स्टाइल, बातों के अलावा और हेयर स्टाइल। ये हेयर बहुत अच्छा करती हैं, इंस्टा पे आप जाके चेक कीजिएगा,
इसके काम बहुत अच्छा है, बाकी सभा का भी बहुत अच्छा है। सबस को कितनी देर छोड़ेंगे? इसको हम 35 मिनट छोड़ेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे। अच्छा, फिर इसको उसके बाद वॉश होगा? उसके बाद वॉश होगा, फिर ब्लू ड्राई होगा, फिर आयरन होगी। ठीक है, एक्सटेंसो इतना डैमेज नहीं करता है बालों को। इसकी केयर करनी पड़ती है। एक्सटेंसो मैं ऑलरेडी 2 दफ़ा करवा चुकी हूँ। जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि भाई एक्सटेंसो डैमेज करता है, ऐसी चीज़ नहीं है। मैं 2 दफ़ा करवा चुकी हूँ और अच्छा इससे रिजल्ट एक्सटेंसो से बहुत अच्छा आता है। कैरेटिन भी आजकल अच्छा है, इनके पास कैरेटिन भी है, एक्सटेंसो भी है, रिबॉन्ड भी है, आप लोग जो करवाना चाहें वो। लेकिन मैं तो रिबॉन्ड इस पे एक्सटेंसो पे जाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसका रिजल्ट अच्छा आता है बहुत। और सदफ़ आप क्या कहना चाहेंगी? इधर आएँ आप, मेरे जो सब्सक्राइबर्स आएंगे मेरे कहने पे, आप उनको क्या डिस्काउंट देंगी ये बताएं? हाँ, आप उनको क्या डिस्काउंट देंगी? अभी जो आयशा की तरफ से आएंगे, शी इज़ आवर सिस्टर एंड सिस्टरों से भी बढ़ के है, और इनका तरफ से जो आएंगे हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे 20%। बाकी इंस्टाग्राम पे इनका पेज है सबा नूर सलोन के नाम से, आप वो भी फॉलो करो, उसको भी फॉलो करें, उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स हैं। डेली बेसिस पे आपको उस पर भी सारी एक्टिविटीज मिलेंगी, इनके काम की, इनकी डील्स वगैरह जो भी चल रही होंगी उस पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी फेसबुक पे भी बनाया कोई पेज? हाँ, फेसबुक इंस्टा। फेसबुक पे क्या है, किस नाम से? सबा नूर। अच्छा, फेसबुक पे भी इनका है सबा नूर सलोन के नाम से, उसको भी जाके ऐड करें, उस पर भी इनकी डील्स वगैरह शो होंगी। ऊपर जा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं हम लोग? अभी मैनीपैडी करा। हाँ, ऊपर जा रहे हैं, आपको मैनीपैडी वाला पूरा सेक्शन दिखाते हैं। उस टाइम दिखाया नहीं था, कोई क्लाइंट बैठी हुई थी इनकी, हम लोग मैनीपैडी वाले सेक्शन में, उस टाइम आपको दिखाया नहीं था। ये पूरा इनका मैनीपैडी वाला सेक्शन है, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा सा बना हुआ है। ये रहा, बहुत ही मजे के लग रहे हैं, इसलिए तो मैंने बोला मैं स्पेशली दोबारा जाऊंगी ऊपर। सुकून से आप बैठो और सुकून से आपका काम हो। हमारा स्टार्ट हो गया, तो ये आप क्या लगा रही हो अभी इस पे? पॉलिश जो है, स्क्रबिंग हुई है हैंड्स पे भी और पूरे पाँव पे भी, इसको वॉश करके फिर इसके बाद क्या होगा? मसाज। अच्छा, मसाज होगा, फिर उसके बाद जो है बफिंग होगी। मैनी पैडी हो गया, अभी थोड़ा सा मसाज रह गया, वो अभी नीचे ही होगा। अब हमारा जो है वो ब्लो ड्राई स्टार्ट हो गया फाइनल। अब इसके बाद जो है ना वो स्ट्रेटनिंग स्टार्ट होगी, जो मेन होता है स्ट्रेटनिंग, वो प्रॉपर तरीके से उसमें टाइम लगता है, वो होगी इसके बाद, और फिर इसके बाद हमारा फिक्सर लगेगा। आफ्टर ब्लो ड्राई का लुक किया है, अब इसके बाद हमारा आयरन स्टार्ट होने लगा है। अब वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अब काफ़ी इसमें जो है ना टाइम लगेगा, आराम से हमारा आयरन होगा। उसके बाद का फाइनल लुक आयरन के बाद का आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक आया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मेरा अभी से ही, ब्लो ड्राई के बाद भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। स्ट्रेटनिंग जो थी ये हमारी हो गई है, तो कुछ इस तरह का लुक आया स्ट्रेटनिंग के बाद। इंशाल्लाह डेड स्ट्रेट बाल, वो कटिंग हुई भी है ना, तो उसकी वजह से वो ऊपर नीचे हो गए बाल। अब हमारा फिक्सर अप्लाई हो चुका है, ये सदफ हमारा फिक्सर अप्लाई कर रही है। अब इसके बाद मुझे बिल्कुल सीधा बैठना पड़ेगा, तो शायद ना मैं वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन हमारा फिक्सर लग चुका है। इसके बाद फिक्सर के बाद क्या होगा सदफ? वॉश, बस फाइनल वॉश होगा, और उसके बाद मास्क और फिर ड्राई, मैजिक। वॉश हमारा हो गया है, अभी इसके बाद वॉश के बाद ये फाइनल ब्लो ड्राई हो रहा है, बाल ड्राई करेंगे, इसके बाद जो है हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि ड्राई के बाद का फाइनल लुक। वैसे अभी पता चल रहा है पूरे स्ट्रेट हो गए हैं बाल, फाइनल लुक आया है भाई एक्सटेंसो के बाद, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आप लोगों ने ज़रूर आना है, बहुत अच्छा काम है इनका। फ्रेंडली इन्वायरमेंट में अगर काम करवाना चाहते हैं तो
यहाँ पर आप तो आपने इनके पास ज़रूर आना है. और आप देख सकते हैं काम भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम है बिल्कुल. मेरे बाल अभी आपको वीडियो में दिखेगा, बिफ़ोर और आफ्टर वाला लुक मैं आपको दिखाऊंगी, डालूंगी उसमें वीडियो में. तो आप लोगों ने ज़रूर आना है यहाँ पर, हाईली रिकमेंडेड है ये जगह. और ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ करो सदा सबा.